good morning everyone today i am going to discuss a chapter of class 8 chapter number is 2 and the chapter name is linear equation in one variable first of all we will understand that what is a linear equation in one variable here i have written an equation of the form ax plus b y equal to 0 koi bhi equation agar ax plus b y k form mehoga इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डिग्री हमेशा क्या होता है वन होता है डिग्री का मतलब क्या होता है डिग्री का मतलब होता है हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन हेयर वेरिएबल क्या है एक्स है और उसका हाइएस्ट पावर कितना है वन तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल वेरिएबल में हाईएस्ट पावर कितना होगा वन के बराबर हो जाएगा नाउ देर आर वेरियस रूल्स ऑफ सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फर्स्ट रूल इज एडिशन आई हैव रिटन हेयर एडिशन एंड आई डिस्कस द रूल्स दैट हाउ विल सॉल्व बाई दिस मैथड आई हैव रिटन यर एट द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन सेम नंबर को इक्वेशन के बोथ साइड में ऐड करना है सपोज वी हैव इक्वेशन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो जो हमारा यहाँ पे साइन रहेगा नंबर का उसका ऑपोजिट साइन सी यार अगर माइनस टू है तो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा प्लस टू अगर यहाँ पे प्लस टू होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है माइनस टू यहाँ पर माइनस टू है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या करेंगे ऐड करेंगे ऐड टू ऑन द बोथ साइड ऑफ़ द इक्वेशन इस इक्वेशन के दोनों साइड में हम लोग क्या ऐड करेंगे टू को ऐड करेंगे सीयर एक्स माइनस टू प्लस टू हमने यहाँ पे किया यहाँ पे भी थ्री प्लस टू किया हम लोगों ने तो एक्स का ये टू टू हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया और एक्स का वैल्यू जो हमें मिला यहाँ पे वो क्या है फाइव है इन दिस वे दिस प्रॉपर्टी इज अप्लाइड इन सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन और नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ़ द इक्वेशन जब हमारा इक्वेशन प्लस के फॉर्म में हो सी एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन जब यहाँ पे प्लस फोर होता है तो हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट अपोजिट नंबर्स लेंगे प्लस फोर का अपोजिट क्या होगा माइनस फोर होगा तो सब्ट्रैक्ट फोर फ्रॉम द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस फोर माइनस फोर सेवन माइनस फोर माइनस प्लस फोर माइनस फोर गोज़ कैंसल आउट एंड सेवन माइनस फोर इट बिकम थ्री सो एक्स इज इक्वल टू थ्री ज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन नेक्स्ट कंडीशन इज मल्टीप्लीकेशन रिटर्न मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाई सेम नॉन जीरो नंबर जब कोई हमारा इक्वेशन होता है तो उसके दोनों साइड में नॉन जीरो नंबर से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी एक्स बाई फाइव एक्स बाई फाइव यहाँ 5 फाइव क्या इसके डिवीज़न के फॉर्म में है और इक्वल टू माइनस फाइव है तो फाइव यहाँ पे डिवीज़न है तो इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हमें देखना है सो आई हैव है हियर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई फाइव एक्स बाई फाइव इंटू फाइव माइनस फाइव इंटू फाइव ये फाइव फाइव हमारा क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया तो फाइनली हमें एक्स का वैल्यू कितना मिला ट्वेंटी फाइव सी एर फाइव इंटू फाइव दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी फाइव सो फाइनली वी ऑपटेन एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट कंडीशन इज डिवीजन डिवीजन डिवाइड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर हम लोग इक्वेशन के बोथ साइड में नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे जैसे ये इक्वेशन हमारे पास टू एक्स इज इक्वल टू नाइन टू जो है वो ये वेरिएबल एक्स के साथ क्या है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में टू इं टू एक्स इज इक्वल टू नाइन डिवाइड बोथ साइड बाई टू जो यहाँ पे नंबर है अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है जो नंबर उसी नंबर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे डिवाइड बोथ साइड बाई टू टू एक्स बाई टू इट इज़ इक्वल टू नाइन बाई टू 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 गोज कैंसिल आउट सो फाइनली वी ऑप्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू नाइन बाई टू नाउ आवर नेक्स्ट Condition is transposition. Transposition means to change the position. Here written any term of an equation, I have written any term of an equation may be taken to the other side with a change in its sign. We अगर एक ट्रांसपोजिशन में हम लोग क्या करते हैं एक नंबर इक्वेशंस को दूसरे साइड में लेके जाते हैं उसके साइन को चेंज करते हुए जैसे यहाँ पे लिखा है फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री थ्री एक्स प्लस टू अब हम लोग क्या करें वेरिएबल एक्स वाले इक्वेशंस को एक साइड में कर रहे हैं ट्रांसपोज कर रहे हैं फोर एक्स ये प्लस थ्री एक्स को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो ये माइनस थ्री एक्स हो गया और प्लस थ्री को जब हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस थ्री हो जाएगा बिकॉज जो यहाँ पे साइन रहेगा उसका ऑपोजिट होगा इसका साइन पॉजिटिव है इसलिए ये नेगेटिव हो गया इसका भी पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो गया फोर एक्स माइनस थ्री एक्स इट इज इक्वल टू एक्स एंड टू माइनस थ्री इट इज इक्वल टू माइनस वन दस ऑन ट्रांसपोजिशन वॉट वी ऑप्टेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड द नेक्स्ट कंडीशन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन द पॉइंट आई हैल्टीप्लीकेशन सी द इक्वेशन इट इज अट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी दिस इज द फ्रैक्शनल वैल्यू सी इट इज ऑल्सो फ्रैक्शनल वैल्यू जब इस फॉर्म में हमारा इक्वेशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स प्लस बी को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सी एक्स प्लस डी को राइट हैंड साइड के न्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा एन इं ए एक्स प्लस बी इट इज इक्वल टू एम इन सी एक्स प्लस डी सी ईयर आई हैव टेकन एग्जाम्पल ईयर एग्जाम्पल इज टू एक्स प्लस थ्री बाई थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू फोर बाई फाइव क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कंडीशन को यहाँ लगाएंगे तो फाइव इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा और ये फोर इससे मल्टीप्लाई होगा आई है फाइव टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फोर थ्री एक्स प्लस फाइव फाइव टू जा टेन एक्स फाइव थ्री जा फिफ्टीन येयर से प्लस साइन सो आव पुट या प्लस साइन अगेन इक्वल टू साइन फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स और फोर फोर जा सिक्सटीन वेन वी इक्वेट द इक्वेशन टेन एक्स ये ट्वेल्व एक्स इधर आएगा तो माइनस ट्वेल्व एक्स ये प्लस फिफ्टीन इधर जाएगा तो माइनस फिफ्टीन देखिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ट्रांसपोजिंग का भी काम यहाँ पे कर रहे हैं 10x minus 12x कितना आ गया माइनस टू एक्स आ गया वन एक्स का वैल्यू अब ये टू क्या होगा इधर आ जाएगा तो माइनस एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू वेरिएबल एक्स को हम लोग नेगेटिव यहाँ पे नहीं रखेंगे तो माइनस वन को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे क्या हो जाएगा ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू इन दिस वे वेरियस कंडीशन इज बी अप्लाइड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल